अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार देखें, अभी तक हमारी वो काली वाली कबूतर ही नहीं आई और शेराजी कबूतर भी जो है अभी तक नहीं आया है वहाँ से। तो अभी जो है बारिश का मैंने बताया था मौसम बना हुआ है, चेक करें आप लोग। और अभी कबूतर अपने खुले हुए हैं तो मैं इनको बंद करने लगा हूँ, क्योंकि अभी बादल जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। स्क्रीन पर भी एक दो टिपके आ गए और ज़मीन पर भी देखें अगर आपको दिख रही हो तो बिल्कुल हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है और कबूतर अपने अभी तक नहीं आए ना। अपना कबूतर वहाँ पे जो गया था काली वाली मादी जो हमने खोली थी वो भी नहीं आई, शेराजी कबूतर भी नहीं आया। तो अभी अगर बारिश स्टार्ट हुई तो मैं कबूतर अपने बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर अपने कबूतर बारिश में उड़ गए तो और मसला हो जाएगा। हो सकता है और कोई कबूतर भी फिर हमारा उड़ ना जाए, फिर बारिश में भीग के वो किधर और गिर जाएगा। तो अब अगर अभी बारिश हुई तो मैं अभी अपने कबूतर जो है वो बंद कर दूंगा और फिर देखते हैं आगे अगर बारिश होती है तो नहीं होती, अभी आपको अपडेट कर देंगे। और अपनी कबूतर आई नहीं आई उसके अभी आपको अपडेट कर देंगे। तो यार अभी जो है मैंने कबूतर बंद कर दिए क्योंकि बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। कबूतर चेक करें, मैंने सारे बंद कर दिए और कबूतर बंद करते ही मेरे दो कबूतर आए और बिल्कुल उतरने की सोच रहे थे आपस इस आसपास में ही। कबूतर अपने बंद थे तो इसीलिए वो उतरे नहीं, वरना उतर जाता है सामने उतर जाता या तो इस बिल्डिंग पे उतर जाता ऊपर वाली। लेकिन अपने कबूतर क्योंकि बंद थे इसी वजह से वो उतरे नहीं। तो ये तो पता नहीं क्या सीन था, समझ नहीं आई मुझे। जैसे ही मैंने कबूतर बंद किए एक पीछे की साइड से आया, एक दूसरी साइड से आया और वो उतरने ही वाली सोचे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, उन्होंने भी पता था वो घुले होके जो है गिर जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग खुद ही उतर रहे थे। तो अपने कबूतर बनते सोचे थे वो उतरे नहीं और अपने वाले भी अभी तक आए नहीं है। शेराजी भी नहीं आया वहाँ पे जब बैठा हुआ था, शेराजी वो भी नहीं आया और अपनी काली वाली भी नहीं आई। लेकिन कबूतर मैंने बंद कर दिया क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश देखें आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्लो बारिश हो रही है। बूंदे चेक करें, काफ़ी पतली पतली बूंदे लेकिन बारिश हो रही है। चलो शुक्र है बारिश तो हो रही है। तो अभी कबूतर मैंने बंद कर दिए। तो यार ये देखें अभी अपने सारे कबूतर बंद है, वो दो छोटू और कालू मैंने खोले हुए थे और ये शेराजी देखें यहाँ पे आके बैठ गए। तब मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ, खोलूँ नहीं खोलूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से खोल लेता हूँ ताकि ये जो है ऊपर आ जाए। मैं कालू को इधर बिठाता हूँ, कालू के पर सही है, छोटू के पर सही नहीं है, तो मैं कालू को इधर बिठा देता हूँ। मैंने कालू को इधर बिठा दिया। कबूतरों की मुझे नहीं समझ में आ रही खोलूँ कि नहीं खोलूँ। ऊपर जाल में कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ जाल में कर देता हूँ, थोड़े बहुत जाल में कर देता हूँ, हो सकता है देख के आ जाए। मैं जाल में करता हूँ पहले। ये जो है नीचे उतर गए और ये आगे वाली साइड पे जा रहा है, देखते हैं अभी ये क्या करता है। भूखा हो रहा है मेरे ख्याल में, हाँ भूखा हो रहा है। देखें दोस्तों दाना उठा रहा है। तो इस साइड वाली आँख इसकी कहानी है, इस वाली आँख से इसको नज़र नहीं आ रहा होगा, दूसरी वाली आँख से नज़र आ रहा होगा इसको। तो मैं इसको थोड़ा सा तंग करता हूँ, कुछ कुछ उठा के इसको पानी मारता हूँ। ओह ये तो पानी मेरे ऊपर ही आ गया हवा से, नहीं पानी से तो नहीं जा रहा, डर भी नहीं रहा। और वो आगे चला गया। मैं दोबारा से कालू को उठा के दीवार पे बिठाता हूँ। कालू चल आ जा, तेरा काम है। देखिए मैंने कालू को भी बिठा दिया दीवार पे, ये बैठा हुआ, ये नीचे बैठा हुआ है, ये अपने ऊपर जाल में दाना खा रहे हैं। तो हो सकता है आ जाए, लग तो रहा है मुझे आ जाएगा ये, क्योंकि देख रहा तो है। देखें कहानी आँख से देख रहे। तो यार ये देखें ये जो अभी यहीं यहीं भी घूम रहे अपना। मैं अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था तो ये ऊपर भी नहीं आ रहा और नीचे ही नीचे अपना दाना खाए जा रहा है, अपना जो है नीचे नीचे चुके जा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं मेरे ख्याल में। तो अपने मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करना है, इसको कैसे ऊपर लाना है सोचते हैं। तो दोस्तों ये देखें ये आ गए दीवार पर, आ गए काफ़ी मेहनत के बाद आया, थोड़े बहुत कबूतर खोले मैंने। तो ये जो है आ गए, अभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो चेक करें, मैंने इसको पकड़ लिया, इसकी आँख देखें खाली, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो यार ये देखें अभी जो है मैंने इसकी थोड़ी बहुत आँख साफ़ की और ये चेक करें इसकी आँख में जो इतना बड़ा कचरा फंसा हुआ था। इससे पहले भी मैंने एक पीस निकाला था, ये भी एक पीस फंसा हुआ था और अभी भी जो है इसकी आँख में एक पीस जो है चिपका हुआ है दूसरी आँख में। मैंने इसको जो है यहाँ पर अलग पिंजरे में बंद कर दिया, छोटे पिंजरे में, क्योंकि ये बीमार है और जब तक ये बीमार है तो इसको हम लोग अपने कबूतरों में नहीं छोड़ सकते। चेक करें चूजे भी यहीं पर ही मौजूद हैं, बोलू का पिंजरा इसके बराबर में। तो ये पिंजरा मैं उठा के उस कोने पे रख दूंगा ताकि इसकी बीमारी जो है ये इसकी बीमारी भोलू को ना लग जाए। भोलू अपना बहुत प्यार है तो इसका इलाज करेंगे। थोड़ा बहुत कचरा मैंने अभी निकाला है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें इसकी आँख में अभी भी पूरा भरा हुआ है, देखें आपको दिख रहा होगा। ये जो इसकी आंख पे चिपका हुआ है, मैं इसको डाल देता हूँ अंदर, इसको तकलीफ हो रही होगी। तो इसका फैसल उस्ताद आएंगे तो इसको मिलके जो है ड्रॉप डालेंगे, इसका इलाज विलाज करेंगे। बाकी तो सही है, मुझे लग रहा था कि कबूतर भी बीमार है, आंख का इशू है और बच्चा बहुत छोटा ही है, इसकी आँख की वजह से शायद ये गिर गया
और बहुत छोटा बच्चा ही है, तो चलो हम लोग ने अभी इसको पकड़ लिया, इसका इलाज विलाज करेंगे, इसको सही करके अपने कबूतरों में छोड़ देंगे। बाकी जो हमारी वो काली वाली कबूतरी है दोस्तों, वो तो नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, अल्लाह ही जाने किधर गायब हो गई। तो देखें, इसको पकड़ने के लिए मैंने अपने थोड़े बहुत खोले थे, तो अभी मैं इनको दोबारा से बंद कर दूंगा, और आज वैसे भी मुझे कहीं जाना है तो मैं इनको अभी जल्दी बंद कर देता हूँ। और अगर वो काली वाली आ गई तो सही है, नहीं आई तो फिर कोई बात नहीं, ये तो नसीब का खेल है, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई। तो दोस्तों ये देखें, अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं, और अभी मैं जनरेटर चलाने के लिए ऊपर आया था, तो आज हम लोगों ने अपने कबूतर जल्दी बंद कर दिए थे, तो जल्दी बंद करने का नुकसान देखें हमारा जो जंगली कबूतर था। तो दोस्तों ये जो है मगरिब के टाइम से अभी तक यहाँ पिंजरे के बाहर ही बैठा हुआ है, कहीं और नहीं गया। आज हम लोगों ने कबूतर अपने जल्दी बंद कर दिए थे, तो ये जो है बेचारा मगरिब के टाइम आके बाहर ही बैठा रह गया और छत पे ही सो गया पिंजरे के बाहर। तभी जो है मेरे को बड़ा दुख हो रहा था, तो मैं आया था जनरेटर चलाने, मैंने देखा ये पिंजरे के बाहर बैठा, तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो चलें, अभी भैया बंद हो गया, सेफ हो गया। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में एक और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।